धन का निवेश थोड़ा संभल कर करें, व्यापार बढ़िया तरीके से होगा, व्यापार में पैसा लगाया जा सकता है, मधुर वाणी से आप सबका दिल जीत लेंगे, आपका पद मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की अभी तो नहीं होगी सप्ताह, लेकिन जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि इस सप्ताह की परफॉर्मेंस से आपका आगे आने वाला भविष्य तय होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। राशिफल 9 से 15 जून के मध्य क्या कुछ कहते हैं आपके सितारे, ये हम जानेंगे। जानेंगे आपकी राशि का हाल, जानेंगे क्या शुभ होने वाला है, क्या अशुभ होने वाला है, आने वाला वक्त किस प्रकार का होगा, हमें किस प्रकार के उपाय करके अपने आने वाले वक्त को संवारना है और किन मुसीबतों से बचना है। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी और इस अवधि की दौरान यानी 9 से 15 जून के बीच में अगर आपका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, तो आपको उसकी ढेरों शुभकामनाएं। तो आइए शुभारंभ करते हैं आपकी राशि से और जानते हैं आगे आने वाला सप्ताह किस प्रकार के परिणाम लेकर आ रहा है आपके जीवन में। ये जानकारी महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए है। आप देश में रहते हो चाहे विदेश में रहते हो, इस जानकारी का लाभ उठाएं और बताई गई सावधानियों को ध्यान से सुने भी और अपनाएं भी। तो आइए फिर से स्वागत है और शुभारंभ है आगे आने वाले 9 से 15 जून के बीच में आपके जीवन में होने वाली घटनाओं की जानकारी के साथ यह राशिफल मैं पेश करता हूं आपकी राशि के लिए। बात करते हैं कन्या राशि के जातक जातिकाओं की। आप सप्ताह की शुरुआत में थोड़े से चिंता मुक्त होंगे, लेकिन जल्द ही आपकी चिंताएं भी समाप्त हो जाएंगी और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। यानी कि दिन की शुरुआत यानी कि सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी चिंताग्रस्त तरीके से होगी, लेकिन कुछ ही घंटों में आप चिंताओं से मुक्ति पा लेंगे और फिर आपके चेहरे पर एक हंसी खुशी दिखाई पड़ेगी। शानदार खबर प्राप्त होगी जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा। पैसा आएगा अचानक से, धन लाभ होगा, इतना धन लाभ हो जाएगा अचानक से, ऐसी अच्छी खबर मिल जाएगी कि चेहरे पर खुशी का क्या कहते हैं, मतलब खुशियों की बारिश हो जाएगी। ग्रहों को खुश करने के लिए आप छोटे छोटे उपाय भी करते रहिएगा जो मैं आपको बताऊंगा, ताकि ये शुभ समय बना रहे पूरे सप्ताह के भीतर। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके साथ होंगे, उनका आपको सपोर्ट मिलेगा, आपके लिए यह सप्ताह बेहद बढ़िया है और बंद किस्मत के दरवाजे खोल देगा। नौकरी पेशे में आप विशेष सफलता प्राप्त करेंगे, कठिन से कठिन मामलों में आप विजय प्राप्त करेंगे, सरकारी काम भी बनेंगे। कुछ लोग कुछ बड़े अधिकारियों के साथ किसी विशेष मीटिंग में जा सकते हैं या किसी विशेष जगह पर जा सकते हैं, किसी विशेष सेमिनार में जा सकते हैं, जिससे उनका रुतबा भी बढ़ेगा, ज्ञान भी बढ़ेगा। आपकी पीठ पीछे आपके शत्रु थोड़ा बहुत जाल बुनेंगे, क्योंकि आप थोड़े से लापरवाह हो जाएंगे। ऐसे समय में आपको शत्रुओं से बचना होगा, अपनी योजनाओं को गुप्त रखना होगा। बेरोजगारों को नौकरी लग सकती है, बैंक में काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा समय है। राजनीतिक जीवन में बढ़िया सफलता पाएंगे, आप अपने काम वक्त से पहले पूरे कर लेंगे, ये आपके लिए बहुत बहुत बेहतर होगा। एक दूसरे की सहायता करेंगे, एक दूसरे की सहायता से कई काम और जल्दी बनते चले जाएंगे। थोड़ा भीड़भाड़ वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिएगा और मास्क वगैरह लगा के जाइएगा, हाथ वगैरह धोते रहिएगा। कानूनी विवादों से बचना होगा और कानूनी विवादों से आपको टेंशन आपकी बढ़ सकती है। पढ़ाई लिखाई में वक्त को लगाएं, पढ़ाई लिखाई में वक्त जाया ना करें। धन का निवेश सोच समझ कर करें, अपने विचारों को नेगेटिव विचारों में ना बदलें, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव रहने दें। आने वाली परेशानियों से घबराएं नहीं, छोटी मोटी परेशानियां ही आएंगी। व्यापारिक सौदे अच्छे होंगे, स्कूल कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, दिल खुश करने वाला होगा ये सप्ताह। छोटी छोटी चिंताएं परेशानियां आएंगी जिनका उपाय मैं बताऊंगा, उसके बाद सब कुछ शानदार होगा। 9 और 10 तारीख को क्या होगा आपके लिए, बढ़िया वक्त है, आप बड़ी उम्मीद के साथ धन कमाएंगे, धन का अच्छा निवेश करेंगे, भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, जीवन साथी का प्यार और जीवन साथी की तरफ से फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान तरक्की करने वाली होगी, छोटी मोटी परेशानियां दिमाग में थोड़ा सा दर्द पैदा करेंगी, लेकिन ये दर्द और परेशानी जरूर
जल्दी से खत्म हो जाएगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, ईश्वर का ध्यान करते ही परेशानियों का हल मिल जाएगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार रहेगी, प्रेम संबंध बढ़िया रहेंगे, व्यापारी वर्ग को व्यापार शुरू करने के लिए सहायता मिल सकती है, जीवन साथी का दिल आपके दिल से जुड़ेगा यानी रोमांटिक रहेंगे। 11, 12 और 13 तारीख दोपहर 1 बजे तक के समय आपको सभी काम सावधानी से करने होंगे, यानी कि जल्दी जल्दी करने होंगे ताकि कोई काम छूटने ना पाए, आपके बॉस आपके ऊपर एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं, आपसे बड़ी उम्मीदें होंगी, व्यापारी वर्ग बढ़िया व्यापार करेंगे, बच्चों को अपन पढ़ाई में लगेगा, जीवन साथी से दिल की बातें शेयर करेंगे, बच्चे थोड़ी नाराज रहेंगे माता पिता से, शायद उनकी कोई आप लोग बात ना माने या उनकी कोई इच्छा पूरी ना हुई हो, आमदनी बढ़ेगी, बच्चों का ध्यान रखें, सेहत बढ़िया रहेगी, जीवन साथी की तरक्की होगी, धन संपदा सब कुछ आएगी, आप मजे मजे में काम करते चले जाएंगे, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, आपके बॉस आपके साथ काम करने वाले लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, इन दिनों में हर तरफ से धन लाभ होगा, आप खुशी खुश होंगे, बस अपने बच्चों पर नजर बना के रखिएगा, वो आपसे नाराज है इस बात का ध्यान रखिएगा। 13 तारीख की बात करें, 1 बजे के बाद का समय 14 और 15 तारीख की थोड़े खर्चीले हो जाएंगे, आप प्रेम संबंध और बेहतरीन होते चले जाएंगे, नई दोस्ती नया प्यार आपको मिल सकता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अब ठीक से चलेगी, लेकिन हो सकता है उन्हें ट्यूशन की जरूरत पड़े या किसी गाइडेंस की जरूरत पड़े, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, बच्चों की कोई डिमांड हो सकती है जिसको पूरा करने के लिए आपको उनसे बातचीत करनी होगी, धन का निवेश थोड़ा संभल कर करें, व्यापार बढ़िया तरीके से होगा, व्यापार में पैसा लगाया जा सकता है, मधुर वाणी से आप सबका दिल जीत लेंगे, आपका पद मान सम्मान बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की अभी तो नहीं होगी सप्ताह, लेकिन जल्द ही हो जाएगी, क्योंकि इस सप्ताह की परफॉर्मेंस से आपका आगे आने वाला भविष्य तय होगा, मेहमानों से नजदीकियां बढ़ेगी, मेहमान आज जा सकते हैं आपके घर, अधिक भागदौड़ की वजह से थोड़ी सी थकान और थोड़ी सी सेहत खराब हो सकती है सप्ताह के अंतिम दिन में, तो थोड़ा सा इलाज करिएगा, यानी कि थोड़ा सा आराम करिएगा, एनर्जी ड्रिंक पीजिएगा, पौष्टिक भोजन खाइएगा, सलाद वगैरह खाने में ज्यादा खाइए, सर्द गर्म का मौसम है इसलिए धूप वगैरह में कम निकले तो बढ़िया रहेगा, सर ढक कर घर से बाहर जाए तो और बढ़िया रहेगा। उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करनी है, शिव जी की उपासना करनी है और माँ सरस्वती की उपासना करनी है, सब कुछ बढ़िया होता चला जाएगा आपके जीवन में, महिला पुरुष और बच्चे बूढ़े हों या जवान इस सप्ताह को आनंद से बिताने वाले हैं। अब हम आपको बताते हैं उन समस्याओं का हल, जिन समस्याओं से आपकी जिंदगी गिरी हुई है, आप परेशान हैं, तो आइए जानते हैं वो समस्याओं का एक हल क्या है, समस्याएं 100 और समाधान 1, आइए जल्दी से जान लेते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अगर आपके जीवन में इस प्रकार का कोई कष्ट है तो उसका निवारण कैसे होगा। नंबर 1, क्या आप पैसा कमाते हैं, आपके पास पैसा नहीं टिकता। नंबर 2, आपके घर में आपके बच्चे या बड़े आपकी बात नहीं सुनते, वो बिगड़ते जा रहे हैं, गलत संगति में जा रहे हैं। क्या आपके घर में सुख शांति नहीं है, पैसा है सब कुछ है लेकिन सुख शांति नहीं है। क्या आपके बच्चे आपका सम्मान नहीं करते, क्या आपके घर में पैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन कमाई नहीं हो रही है। क्या पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी अच्छी नौकरी नहीं लग रही है। क्या आप योग्य हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपकी शादी नहीं हो रही है, या शादी हो गई है लेकिन परिवार में तनाव खिंचा खिंची है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या आपके बच्चे आपको परेशान करते हैं, या आपके बच्चे कष्ट में हैं, या बच्चों से आपको कष्ट है। क्या विदेश जाने का सपना बार बार टूट जाता है, क्या बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने का सपना बार बार टूट जाता है। क्या आपके प्रेम संबंध बनते नहीं, क्या आपके प्रेम संबंध बने हुए हैं लेकिन टिकते नहीं। क्या आपस में लड़ाई हो रही है प्रेमी प्रेमिका के बीच में। क्या आपके पास गाड़ी लेने का पैसा नहीं है, क्या आप घर नहीं बना पाए अभी तक। क्या दुनिया के लोग आपको ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे मानो आपने इस दुनिया में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। क्या आपके घर में या आपके ऊपर या आपके घर के किसी सदस्य के ऊपर जादू टोना हो गया है, बुरी नजर लग गई है। तो ऐसी अगर आप अनेक समस्याओं से पीड़ित हैं या किसी भी एक समस्या से पीड़ित हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, अपनी कुंडली की विवेचना कराएं और जल्दी से फोन करें और अपना वक्त बुक कराएं, यानी अपनी अपॉइंटमेंट बुक कराएं। इन समस्याओं से चुटकियों में छुटकारा पाया जा सकता है, बस आपको घुमाना है ये फोन और हम और हमारी टीम आपकी मदद करेंगे। इसके लिए जो शुल्क देना होगा वो मान्य होगा और आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। हरिओम, नमस्कार।